नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका होममेड सॉल्यूशंस में फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, कहा जाता है कि एक संतुलित और सही नियम के अनुसार भोजन करने वाला व्यक्ति उम्र भर निरोगी और स्वस्थ बना रहता है। अलग अलग खाए जाने वाली चीजों से हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और हर खाए जाने वाली वस्तु हमारे शरीर पर उसकी प्रकृति के अनुसार प्रभाव डालती है। ऐसे में दो ऐसी चीजें जिनका स्वभाव और प्रकृति एक दूसरे के विपरीत यानी कि अलग अलग हो, अगर उन्हें एक के बाद एक या एक साथ मिलाकर खा लिया जाए तो उसकी वजह से हमें कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। और कुछ चीजें तो एक दूसरे के इतने विरुद्ध होती है जिनका सेवन करने से वह हमारे शरीर में कभी भी ठीक नहीं होने वाली बीमारियों को हमेशा के लिए छोड़ जाती है। आयुर्वेद में ऐसी चीजों को विरुद्ध आहार यानी कि इनकम्पेटिबल फूड कहा जाता है। चाय के साथ बिस्किट्स और ब्रेड खाना, दूध के साथ केले या सलाद में टमाटर और खीरे का एक साथ सेवन करना, इस तरह की कई आम और रोजाना खाई जाने वाली चीजें विरुद्ध आहार की श्रेणी में ही आती है और हमें पता भी नहीं होता हमारे शरीर में हो रही छोटी से छोटी आम समस्या, चाहे वो बालों का झड़ना हो या त्वचा का खराब होना हो, दिन भर थकान या आलस आना या पेट का खराब हो जाना, ज्यादा से ज्यादा बीमारियां आजकल केवल विरुद्ध आहार की वजह से ही हो रही है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जिन्हें एक साथ गलती से भी नहीं खाना चाहिए। विरुद्ध आहार आज हर जगह मौजूद है और इसका सेवन तेजी से बढ़ता भी जा रहा है, क्योंकि अपने स्वाद को अलग और नया बनाने के लिए बाहर के होटल और रेस्टोरेंट्स में अक्सर लोग ऐसी चीजें बनाते रहते हैं और कई बार ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होने के कारण वह खुद भी अनजाने में लगातार ऐसी चीजों का सेवन करते रहते हैं। जरा सोचिए, हमारे शरीर को सेहत बनाने वाली चीजें जैसे कि दूध, अंडा, घी, दही, पालक, करेले, बादाम और कई तरह के फल भी हमारे लिए घातक हो सकते हैं यदि उन्हें खाने के बाद या पहले ऐसी चीजें खा ली जाए जिनके साथ इनका मेल नहीं बनता हो। अगर हर तरह के प्रयास के बाद भी आपका वजन कम नहीं हो रहा है या सब कुछ खाने के बाद भी आपका वजन बढ़ता ही नहीं, अगर किसी तरह की बीमारी से आप लंबे समय से जूझ रहे हैं लेकिन वह ठीक ही नहीं हो रही, तो हो सकता है कि आप खाई जाने वाली चीजों को गलत समय पर या गलत चीजों के साथ खा रहे हो। एसिडिटी, गैस, अपचन, बालों का झड़ना, त्वचा पर एलर्जी, मस्से और सफेद दाग होना, सोराइसिस, एक्जिमा, दाद, सर्दी, जुखाम, सरदर्द और जोड़ों में दर्द होने के साथ साथ गले में खराश, फेफड़े और किडनी में कमजोरी, बवासीर, डायबिटीज तथा दिल और शरीर के दूसरे अंगों से जुड़ी कई तरह की गंभीर बीमारियां केवल विरुद्ध आहार लेने की वजह से हो सकती है। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि विरुद्ध आहार की श्रेणी में आती है और कौन सी चीजें हैं जो एक साथ खाने के लिए नहीं बनी है। इसमें सबसे पहले है दूध और दूध से बनी हुई चीजें। दूध एक एनिमल प्रोटीन है, यानी कि यह उन चीजों में से एक है जो कि हमें किसी जानवर के जरिए प्राप्त होते हैं और ऐसी सभी खाई जाने वाली चीजें जो कि हमें किसी जानवर से प्राप्त होती है जैसे कि अंडा, मांस और दूध आदि का सेवन करते समय हमें बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो कि होती तो सेहतमंद है लेकिन इनका कॉम्बिनेशन बहुत कम चीजों के साथ किया जा सकता है। दूध को कभी भी प्याज, केले, नमकीन या नमक वाली चीजें, खट्टे फल जैसे कि नींबू, संतरा, पाइनएप्पल, दही, मूली, कटहल, मांस, मछली और बैगन, इन सभी चीजों के पहले, बाद में या साथ में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। अच्छी सेहत बनाने के लिए दूध और केले को साथ में खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन यह दोनों ही चीजें जब आपस में मिलती है तो एक दूसरे को पचने से रोकती है। दोनों के पचने का समय अलग अलग होता है, इसलिए लगातार इसका सेवन करने से हमारे शरीर की खाना पचाने की प्रक्रिया बदलने लगती है और साथ ही रात के समय ठीक से नींद न आने की समस्या भी पैदा हो सकती है। प्याज, कटहल और खट्टे फलों को दूध का दुश्मन माना जाता है। प्याज और दूध अगर हमारे पेट में एक दूसरे से मिल जाए तो इससे कई तरह के त्वचा रोग जैसे कि सोराइसिस, एक्जिमा, दाद और सफेद या काले धब्बे हो सकते हैं। और साथ ही खट्टे फल या उनके जूस का सेवन अगर दूध पीने के आसपास किया जाए तो इससे गैस, पेट में इन्फेक्शन, पेट दर्द और लूज मोशन भी हो सकते हैं। पाइनएप्पल के अंदर ब्रोमेलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि दूध के साथ मिल जाने पर हमारे शरीर पर उल्टा प्रभाव डालता है और शरीर की खाए जाने वाली चीजों से पोषक तत्व निकालने की क्षमता को कमजोर बनाता है। इसके अलावा दही के साथ केला, मांस, मछली, टमाटर और उड़द की दाल आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और साथ ही दही को कभी भी बहुत तेज आंच पर नहीं पकाएं। दही के साथ ज्यादातर फलों का मेल नहीं जम पाता है क्योंकि ठंडा होने की वजह से इसमें फलों को डालकर खाने से यह हमारे शरीर में कफ की मात्रा को बढ़ाता है। यह कफ हमारे फेफड़ों में जमता है और हमारे शरीर की नसों में भी ब्लॉकेज कर सकता है। उड़द की दाल और दही को साथ में खाने से यह हमारे
हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ा देता है। इसलिए जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उन्हें दही वड़े जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए। आयुर्वेद के नजरिए से रात्रि के समय दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात के समय दही खाने से हमारे भोजन पचने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से पेट से संबंधित बीमारियां होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसके अलावा बियर, कोल्ड ड्रिंक, सोडा और शराब आदि के साथ नमकीन चीजें जैसे कि मूंगफली आदि का सेवन करना सबसे ज्यादा आम कॉम्बिनेशन बन गया है। पानी और चाय के बाद बियर दुनिया में सबसे ज्यादा पी जाने वाली चीजों में तीसरे नंबर पर आती है, और ज्यादातर लोगों को यह पता भी होता है कि बियर, शराब और कोल्ड ड्रिंक आदि का सेवन करने से हमारे शरीर का पानी सूखता है और हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। ऐसे में इसके साथ नमकीन दाने या ज्यादा नमक वाली चीजें खाने से हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा दुगनी रफ्तार से बढ़ने लगती है, और बढ़ा हुआ सोडियम भी हमारे शरीर में मौजूद पानी को तेजी से खत्म करने लगता है। शरीर में पानी की कमी होने की वजह से घबराहट, चक्कर आना, पेट खराब और फूड पॉइजनिंग होने के बहुत अधिक चांस होते हैं, और साथ ही लगातार ऐसा करने से पेट की चर्बी और तोंद बाहर निकलने लगती है। इसके अलावा घी भी उन चीजों में से एक है जिनका इस्तेमाल करते समय थोड़ी सावधानी बरतना आवश्यक होता है। घी को कभी भी तांबे या कॉपर के बर्तन में नहीं रखें, क्योंकि घी का तांबे के साथ मेल होने पर वह पूरी तरह से खराब हो जाता है और हमारी सेहत के लिए हानिकारक बन जाता है। इसी तरह से घी और शहद को अगर आपस में मिला दिया जाए तो इसकी तुलना जहर के बराबर की गई है, और इसका सेवन करने से काफी हानिकारक परिणाम भी हो सकते हैं। सलाद में खाए जाने वाली कुछ बहुत ही साधारण चीजें भी गलत समय और गलत चीजों के साथ खाने पर विरुद्ध आहार बन सकती है। उदाहरण के लिए खीरा और टमाटर, यह दोनों ही सलाद के तौर पर खाए जाने वाली सबसे प्रचलित चीजें हैं। इसलिए हमारे घर से लेकर होटल और शादियों में भी खीरे और टमाटर को साथ में दिया जाता है। लेकिन हाल ही में की गई एक रिसर्च के मुताबिक खीरे और टमाटर में पाए जाने वाले तत्व एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं। साथ ही इन दोनों के पचने का समय भी अलग अलग होता है, जो कि हमारे पेट को कंफ्यूज करता है। इसलिए अगर इन दोनों को साथ में खाया जाए तो इन दोनों से मिलने वाले जरूरी पोषक तत्व तो हमें नहीं मिलते, बल्कि इसकी वजह से पेट भारी होने और पेट फूलने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश करें कि टमाटर और खीरे को एक साथ न खाएं। कई लोग सलाद का सेवन खाना खाने के बाद करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि सलाद ठंडा होने की वजह से भोजन के साथ ही खाना जरूरी है। भोजन कर लेने के बाद सलाद खाने से खाना पचने की गति धीमी हो जाती है, जिससे कि गैस और एसिडिटी हो सकती है। अगर आप सलाद में गाजर खाते हैं तो उसके साथ नींबू का सेवन न करें, क्योंकि गाजर में नींबू का रस डालकर खाने से हार्ट बर्न और यूरिन यानी कि पेशाब से संबंधित बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। सलाद में मूली शामिल होने पर इसे खाने के बाद दूध या केले का सेवन न करें। दूध की तरह ही शहद भी एक ऐसी चीज है जो कि हमें किसी जीव के जरिए प्राप्त होती है। शहद का सेवन घी, मूली और अंगूर जैसे फलों के साथ न करें, और इसे ऐसी चीजों में कभी मिक्स न करें जिसे पकाया जा रहा हो या गर्म किया जा रहा हो, क्योंकि शहद पकने के बाद हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो जाता है। कहा जाता है कि शाकाहारी लोगों के मुकाबले मांसाहारी लोगों के शरीर में ज्यादा बीमारियां होती है, लेकिन केवल मांस आदि का सेवन करने से बीमारियां उत्पन्न नहीं होती, बल्कि जब इसे गलत समय पर या गलत चीजों के साथ खा लिया जाता है तभी इससे कोई बीमारी पैदा होती है। मछली, अंडा और मांस आदि के साथ दूध, दही, चीज, अंकुरित आहार, आलू तथा स्टार्च वाली चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, और किसी भी तरह के मांस को कभी भी तिल के तेल में नहीं पकाना चाहिए। बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन फूड के साथ आलू और मैदे से बनी चीजें खाना पसंद करते हैं। होटलों में मिलने वाली तरह तरह की रोटियां और रेस्टोरों में मिलने वाले बर्गर मांसाहारी चीजों के साथ आलू तथा मैदे से बनी हुई चीजें खाने की सबसे आम जगह बन गई है। खाने में चाहे इनका स्वाद बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन इन दोनों को साथ में मिला देने से यह हमारे शरीर के लिए हानिकारक बन जाते हैं, क्योंकि आलू और मैदे के अंदर स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। स्टार्च को पचाने के लिए हमारे पेट को अल्कलेटिक यानी कि क्षारीयता की जरूरत होती है, और वहीं दूसरी तरफ मांस में पाए जाने वाले प्रोटीन को पचाने के लिए हमारे शरीर को एसिडिक यानी कि अम्लीयता की जरूरत पड़ती है। दोनों को साथ में खाने से इसमें मौजूद प्रोटीन तो हमारे शरीर में पूरी तरह नहीं पहुंच पाता, और मोटापा, गैस तथा शुगर और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में दुगनी रफ्तार से बढ़ने लगती है, जो कि डायबिटीज और दिल से संबंधित बीमारियों को जन्म देती है। जब भी आप भोजन करें तो भोजन करने के साथ साथ या भोजन करने के तुरंत बाद ठंडी चीजें जैसे कि कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम या बहुत ज्यादा गर्म चीजें जैसे कि चाय या कॉफी का सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि ऐसा करने से भोजन से मिलने वाले पोषक तत्व तो खत्म होते ही है और खाना भी ठीक तरह से नहीं पच पाता है। कभी भी चाय और कॉफी जैसी गर्म तासीर वाली
वाली चीजों का सेवन करने के बाद ठंडा पानी, खट्टे और पानी वाले फलों का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से गले का इन्फेक्शन और सर्दी खांसी होने की संभावना बढ़ जाती है। विरुद्ध आहार के अलावा कई सारी चीजें ऐसी भी होती है जिन्हें केवल अकेले खाने से भी वह हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां पैदा कर सकती है। वह चीजें कौन सी है उन्हें जानने के लिए हमारे चैनल पर पहले से ही वीडियो मौजूद है, आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आज के यह वीडियो आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध हो। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय या फिर कोई सवाल हो, और शेयर कीजिए उन लोगों से जिन्हें इसकी जरूरत है। और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।